आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र से घुमाने और गैंग रेप की घटना के प्रतिरोध में मणिपुर हम शर्मिंदा है के शीर्षक से दखल संगठन की ओर से कैंडल मार्च और सभा आयोजित हुई। गुरुवार 20/7/2023 को मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और गैंगरेप की घटना के प्रतिरोध में मणिपुर हम शर्मिंदा है के शीर्षक से दखल संगठन की ओर से कैंडल मार्च और सभा आयोजित हुई। सर्व सेवा संघ परिसर से राजघाट तक आयोजित हुए इस प्रतिरोध कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष इकट्ठा हुए और हिंसा, उत्पीड़न, उपद्रव और अराजकता का जो अंधेरा छाया हुआ है उस पर गंभीर असहमति दर्ज कराई। सभा में वक्ता ने कहा कि मणिपुर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसको देखकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। ये घटना 2.5 महीने पहले की है और FIR भी दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे शर्म आ रही है कि केंद्र सरकार पिछले 3 महीनों से चुप बैठी है और PM ने इस पर एक भी बयान नहीं दिया है। हम आज मणिपुर के CM और PM मोदी से मांग करते हैं कि मणिपुर में हिंसा और अराजकता का जो तांडव चल रहा है उसे खत्म किया जाए। मणिपुर से 2 कुकी आदिवासी महिलाओं की सड़क पर नग्न परेड और गैंग रेप के करवाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाने का जो वीडियो सामने आया है वो वास्तव में परेशान करने वाला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सरकार से कार्रवाई करने को कहा है। स्वयं CGL का कहना है कि ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। सांप्रदायिक झगड़े के क्षेत्र में महिलाओं को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि जो वीडियो सामने आए हैं उससे हम बेहद परेशान हैं। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। अगले वक्ता ने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में कदम उठाए और कार्रवाई करे। संवैधानिक लोकतंत्र में यह बिल्कुल अस्वीकार्य है, ये बहुत परेशान करने वाला है। राज्य सरकार को बर्खास्त करने की जरूरत हो तो भी ऐसी अराजक स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि केंद्र और मणिपुर सरकार ने अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की है। वीडियो में दिखाई देने वाला दृश्य सीएनएन पैदा करने वाला है। मणिपुर में गंभीर संवैधानिक उल्लंघन हो रहा है। महिलाओं को हिंसा के साधन के रूप में उपयोग करना बर्बर और अमानवीय है। राजघाट परिसर में सर्व सेवा संघ को बुलडोज करने की भाजपा सरकार की साजिश के खिलाफ 61 दिन से लामबंद सर्वोदयी गांधीजनों ने आज के धरने को मणिपुर की इस भयावह घटना के प्रतिरोध के नाम पर समर्पित कर दिया। राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ परिसर में देश को शर्मसार करने वाले इस नग्न परेड और गैंगरेप की घटना पर आक्रोश व्यक्त किया गया और देश में गांधी की धारा की राजनीति का जो क्षरण हुआ है उसे ही इस अराजकता और हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया। गांधी हत्या के लिए दोषी विचारधारा इस समय सत्ता में है। ये वैचारिकी महिला विरोधी है, मांसल है, पितृ सत्ता या वंचितों को, पीड़ितों को, दलित महिला अल्पसंख्यकों को दबाने की सोच रखते हैं। इनका मुखर प्रतिवाद जरूरी है। ये हिंसा, दुख और भीड़ा के दिन बदलने ही होंगे। नया भारत, नया समाज बनाने के लिए संघर्ष को अब निर्णायक बनाना होगा। दखल संगठन के नेतृत्व में आयोजित हुए कार्यक्रम का संचालन दीक्षा ने किया। कार्यक्रम प्रमुख रूप से नीति, रणधीर, वंदना, एकता, नीतू, जागृति, राही, अदिति, अफसाना, फातिमा, पूजा, रुखसाना, इंदु, धनंजय, रवि, अनुज, राजीव यादव, जितेंद्र, नीरज, विवेक, डॉक्टर आरिफ, अमित, हरिश्चंद बिंद, जीवन राठौर, राम धीरज, उज्जवल, विनोद आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए वाराणसी से तौफीक खान की रिपोर्ट। जिस दिन वो धरती पे जन्म ली, एक बेटी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, बदनाम तो वो उसी दिन से हो गई। और बदनाम करने वाला कौन है? ये हमारा पुरुष प्रधान देश, जो कि हमारे
इंडिया में पुरुषों को बहुत महान हस्ती दिया गया है कि नहीं, ये बहुत महान है, पुरुष है। किस बात के आप पुरुष हैं? आप लाख पुरुष हैं, आपके अंदर इतनी मर्दांगिनी है, तो क्या आप एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं? इसका जवाब आप हमको दे दीजिए। लेकिन ये ताकत सिर्फ और सिर्फ एक औरत का है, तो हम सरकार से भी यही गुहार लगाते हैं कि आप भी किसी की औलाद हो, अभी आपके माँ का अंतिम संस्कार हुआ है, आपको भी कोई माँ ही, कोई औरत ही, कोई बेटी ही पैदा की है, उसका कम से कम आप लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।